हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज फिर मैं डायमंड से रिलेटेड ही एक एपिसोड लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल डायमंड और मेज़ोनाइट डायमंड में क्या फ़र्क होता है। देखें, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जर्कन, सिंथेटिक डायमंड और सीवीडी डायमंड और मेज़ोनाइट, ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्टोन हैं। कतई ये ना समझिएगा कि ये एक ही स्टोन के मुख्तलिफ नाम है, नहीं, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं इनको भी इन डिटेल आपको सेपरेट सेपरेट करके बता दूंगा। तो आज हम जिस स्टोन के मुतलिक बात कर रहे हैं वो है मेज़ोनाइट। मेज़ोनाइट डायमंड जो है वो दिखने में बिल्कुल डायमंड की तरह होता है, और उसको भी चेक करने के लिए बहुत ही डीपली दो चार चीज़ें हमें आनी चाहिए, नहीं तो हम मेज़ोनाइट डायमंड और नेचुरल डायमंड डिफरेंस नहीं कर सकते। इस चीज़ को आसानी से समझाने के लिए मैंने कुछ इमेजेस तैयार की हैं, जिनसे मैं आपको समझाऊंगा कि मेज़ोनाइट को हम कैसे पकड़ सकते हैं और कैसे नेचुरल डायमंड से उसको अलग किया जा सकता है। और देखने वालों के लिए एक चीज़ बताना ये भी ज़रूरी है कि मेरी ये वीडियो सिर्फ ख़रीदारों के लिए नहीं है, मेरे वो भाई कि जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, जो डायमंड की सेल्समैनशिप कर रहे हैं या गोल्ड की कर रहे हैं या कहीं भी जॉब कर रहे हैं इस फील्ड से रिलेटेड, तो उनको भी ये डायमंड और मेज़ोनाइट में फ़र्क आना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी, तो इसको कंप्लीट देखिएगा और इसको डिटेल से समझिएगा। तो चलिए मैं अब आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और उस पर समझाता हूँ कि आया के नेचुरल डायमंड और मेज़ोनाइट डायमंड में क्या फ़र्क होता है और उसे कैसे देखा जाएगा। चलिए, ये देखें, इस वक्त स्क्रीन पे एक नेचुरल डायमंड की डायग्राम इमेज है। तो नेचुरल डायमंड का जो ये अपर फेसेट्स कटिंग वाला एरिया होता है, जैसे ये मैंने रेड एक रो से यहाँ पर इसको मैंशन किया है, ये हमेशा रेज्ड होता है। मीन्स इसकी शेप को आप लोग स्टडी कर लो कि नेचुरल डायमंड आप जब भी देखेंगे तो वो इस शेप में, मोर और लेस इस शेप में कटिंग किया जाता है। उसका जो ये अपर कटिंग फेसेट्स जो है ना, वो इस तरीके से उभरे हुए होते हैं। इसी के बरक्स अगर मैं जाऊँ आपको लेके मेज़ोनाइट के डायग्राम इमेज के ऊपर, तो ये जो फ्लैट सरफेस वाला डायग्राम इमेज है, ये मेज़ोनाइट डायमंड का है कि इसका किनारा और इसका जो अपर फेसेट्स हैं वो हमेशा ऐसे फ्लैट होंगे। तो आपकी ऑब्जर्वेशन में या आपके देखने में जब कभी कोई ऐसा डायमंड आए जिसकी टॉप और जिसका ये सरफेस फ्लैट हो, तो आपको होशियार रहने की ज़रूरत है, और मोर देन 70% ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एक मेज़ोनाइट डायमंड देख रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं और बताऊँ, तो इस वक्त ये एक डायमंड और दूसरे स्टोन्स का प्रॉपर्टी चार्ट है। अब इस चार्ट को इन डिटेल आप पढ़ सकते हो कि ये बाकी चीज़ें क्या हैं, लेकिन इसमें मुझे आपको जो मेन चीज़ बतानी है जो मेज़ोनाइट को नेचुरल डायमंड से अलग करती है, वो है SR और DR। अब ये SR और DR क्या है, ये इसका ऑप्टिक करेक्टर है। देखें, ऑप्टिक करेक्टर को हाईलाइट मैंने इसलिए किया है कि हम इसको या तो आई लूप से या नेकेड आई से ही देखते हैं। नेकेड आई से तो इतना डिटेल जो है वो कोई भी डायमंड नहीं देखा जा सकता, लेकिन जब आप इसको आई लूप से देखेंगे तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है जो इसका SR है। तो इसलिए जो नेचुरल डायमंड है या सिंथेटिक डायमंड है या क्यूबिक जरकोनिया जिसे हम जरकन कहते हैं, वो है ये सिंगल रिफ्लेक्टिव स्टोन्स होते हैं। SR स्टैंड्स फॉर सिंगल रिफ्लेक्टिव, कि जब इन पे लाइट वगैरह रिफ्लेक्ट करती है तो सिंगल जिस तरह पड़ती है वैसे ही निकलती है। लेकिन जो मेज़ोनाइट है, ये DR है, ये डबल रिफ्लेक्शन देता है। तो ये इसका एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला कह लें या इसका एक माइनस पॉइंट कह लें कि जब कभी भी आप मेज़ोनाइट डायमंड देख रहे हो तो आप उसको इस तरह ज़रूर चेक करो कि उसमें रिफ्लेक्शंस जो हैं वो मल्टीपल कलर्स में आएंगी और मल्टीपल वेव देगी जो लाइट होगी, क्योंकि ये डबल रिफ्लेक्टिव स्टोन होता है। देखें, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें ये एक डायमंड है, इस डायमंड पे जब लाइट रिफ्लेक्ट की तो उसने कैसा शेडो बनाया है।
और जब एक मोजोनाइट के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट की है तो उसने हर वेव को डबल करके शो किया है, जिसमें मल्टी कलर्स इसकी वजह से ज़्यादा नज़र आते हैं। ये भी एक अलामत है मोजोनाइट डायमंड होने की। उसके अलावा जब आप आई लूप से किसी भी मोजोनाइट डायमंड को आप आई लूप से देखें, तो उसमें जो उसको अगर आप अपर मीन सरफेस से उसके टेबल से जो डायमंड के अंदर देखेंगे, तो जो डायमंड होगा उसके सारे अंदर कटिंग फेसेस आपको सिंगल नज़र आएंगे। आप सिंगल सिंगल एक एक लाइन को बखूबी देख सकते हो, जबकि उसके बरक्स जब आप मोजोनाइट को देखोगे तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्टिव कटिंग्स आपको नज़र आएंगी। ये भी मोजोनाइट की एक बेसिक निशानी है जब आप उसको आई लूप से देखो। उसके अलावा ये देखें, ये एक बड़ा सिंपल मेथड है कि जब इसमें लाइट एंटर होती है मोजोनाइट डायमंड में, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो डबल हो जाती है। जैसे मैंने आपको पिछली इमेज में बताया कि ये डबल रिफ्लेक्टिव स्टोन होता है, कि इसमें लाइट पड़ के मल्टीपल कलर्स देती हुई ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। ये भी इसकी एक निशानी है। ये देखिए, जैसे ये एक मेजोनाइट डायमंड है, इसमें आप ये मल्टी कलर शेड्स बआसानी देख सकते हो, जबकि डायमंड्स में इसकी रिफ्लेक्शंस आपको सिंगल नज़र आएंगी, मल्टीपल नज़र नहीं आएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।